इस वीडियो में आज हम क्लास 10 आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो आइए इसका करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स और एक्स है, यहाँ पे वाई वाई है, तो वाई को हम एलिमिनेट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3y करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 3y हो जाएगा, 3y 3y ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए 4x-3y=8, इसको ऐसे रहने दिए। और इक्वेशन 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 6 18x हो गया, माइनस ये 3y हो गया, और 29/3 × 3 हो गया। इसमें से 3 3 को हम कैंसिल कर दिए। अब साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस हुआ, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। साइन चेंज करने के बाद ये 3y 3y ये तो कट गया, माइनस और प्लस में है तो यहाँ प्लस और माइनस माइनस होगा, तो 18 में 4 गया तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 14। एक्स है तो एक्स हो गया, 18 बड़ा है, माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिए। इक्वल टू यहाँ पे 8 है और -29 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 29 में 8 गया तो 21 हो गया, 29 बड़ा है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिए। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 21/14। अगर 7 का टेबल से काट देते हैं, 7 2 = 14, 7 3 = 21, तो इस तरह से एक्स इज इक्वल टू 3y2 हो गया। अब इस एक्स का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 3y2 इन इक्वेशन 1, वी गेट, हम एक्स का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो हम अभी फिलहाल इक्वेशन 1 में ही पुट कर रहे हैं। तो 4x था, तो x की जगह पे हमको 3y2 लिखना है, तो यहाँ पे हम एक बार ऐसे इक्वेशन 1 को उतार लेते हैं जो इक्वेशन 1 मेरा है, और अब यहाँ पे हम x के जगह पे 3y2 पुट कर दे रहे हैं, और -3y = 8 हो गया। यहाँ पे 2 2 = 4 काट दिए, तो 2 3 = 6 -3y = 8 हो गया। 6 को उधर कर देते हैं तो ये -3y इधर ऐसे रहेगा और इधर आ गया, तो ये -6 हो गया, तो -3y = 8 में 6 गया तो 2 हो गया। तो y इज इक्वल टू, ये माइनस भी उधर चला जाएगा और 2 और 3 इस तरह से यहाँ पे नीचे आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि y का वैल्यू कितना निकल गया, -2y3, और x का वैल्यू हम ऊपर में यहाँ पे निकाल चुके थे 3y2। तो इस तरह से मेरा आंसर आ गया x = 3y2 एंड y = -2y3।